हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहित। तो वेल, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक इमेज में एक वेबसाइट का यूआरएल लगा सकते हैं ताकि जब उस इमेज पे कोई क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट में वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वेल, बहुत ही एक कॉमन और आसान तरीका है। जनरली चाहे कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, चाहे एडसेंस हो या बिंग एड्स हो या आपका media.net हो, जो एक इमेज में इम्प्रेशन बनता है वो कुछ अलग ही होता है और उसका जो इम्प्रेशंस होता है काफ़ी अच्छे होते हैं। जनरली लोग इमेज वाली एड्स में अट्रैक्ट होते हैं और उनको क्लिक करते हैं, और जैसे उन एड्स पे व्यूवर्स क्लिक करते हैं तो वो कोई ना कोई वेबसाइट में पहुंच जाते हैं और उस क्लिक के जो क्रिएटर्स होते हैं उनको उस क्लिक्स के पैसे मिल जाते हैं। तो वेल, ये कैसे किया जाता है, यानी कि इमेज में यूआरएल कैसे लगाया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के तौर पे वर्डप्रेस चुन रखा है। तो सबसे पहले हमें वर्डप्रेस के उस आर्टिकल में पहुंचना पड़ेगा जहां पे हमको इस तरह की इमेज लगानी हो, ताकि हम उस इमेज में अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दें, ताकि कोई उस पे अगर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम उस आर्टिकल पे आते हैं और उस जगह आपको कर्सर को लेके जाना पड़ेगा जहां पे आप उस इमेज को रखना चाहते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक आर्टिकल चुन रखा है, तो चलिए यहां पे हम एक एड इमेज ऐड लगाते हैं और उसमें एक यूआरएल सेट कर देते हैं ताकि उस पर कोई क्लिक करेगा तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट में वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे एक इमेज लगा के देखते हैं। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आपको कर्सर को लेके आना होगा एक एप्रोप्रिएट जगह पे जहाँ पे आप चाहते हैं इमेज को लगाएं। उसके बाद आपको एक ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड लाइब्रेरी मीडिया का, तो ऐड मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी जो भी आपको इमेज लगानी, जिसमें आप यूआरएल को लगाना चाहते हैं, वो इमेज को आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फाइल का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपकी फ़ाइल है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर, क्योंकि मेरे पास पहले से एक फ़ाइल है, तो मैं यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से उठाऊंगा। यहाँ पे वो इमेजेस होती है जो आपने पहले से अपलोड कर रखी। तो एग्जांपल के तौर पे इस वाली इमेज को, जैसे हम इमेज इस वाली इमेज को चूज़ करते हैं और चूज़ करने के बाद आपको इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इमेज चूज़ करी वो यहाँ पर आ जाएगी और आपको इस इमेज पर क्लिक करना है। जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शन टॉप में दिखाई देंगे। तो जो आपके पास पांचवा ऑप्शन है पेंसिल का, जो आपको एक पेंसिल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप की एक आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स के नीचे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है लिंक टू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कस्टम यूआरएल, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक नई सी एक छोटी सी विंडो खुल चुकी है। यहाँ पे आपको उस वेबसाइट का नाम देना है जिसे जिसमें आप अपने व्यूवर को चाहते हैं वो डायरेक्ट हो जाए। तो चलिए यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद आपको सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो ये पूरी तरह से हो चुका है और आप जो भी व्यूवर आपका इस वेबसाइट पर आएगा वो इस इमेज पे जैसे क्लिक करेगा तो वो आपकी जो भी आपने वेबसाइट डाली थी उस वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये था आसान सा तरीका किस तरह से आप इमेज में एक यूआरएल लगा सकते हैं और आपने वेबसाइट में व्यूवर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.